लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए। 19 मध्ये तमाम बंधु आणि भगिनींनो, खरतर बहुजनांचा कष्टकरांचा आदर्श राजा छत्रपती शिवाजी महाराज माता भगिनींसाठी मुहूर्त असू शकत नाही आणि म्हणून कित्येक वर्ष या दिवसाचं औचित्य साधत या कार्यक्रमाचं आयोजन होत असतं। या ठिकाणी काही शाळकरी मुलं, विभागातली मुलं सांस्कृतिक कार्यक्रम सादर करत असतात, परंतु या ठिकाणी अशा मुलांच्या कलागुणांना वाव देणं काही लोकांना बरं वाटत नाही आणि म्हणून आपण परशुराम कोळी आणि कंपनीला गेली 3-4 वर्ष या ठिकाणी प्राचारण करतोय। 31 ला आपली मुलं असतात आणि जो शैक्षणिक आणि सांस्कृतिक विकास या विभागामध्ये झालेला आहे त्याच्यामुळे तुमच्या जीवनामध्ये तुमच्या चेहऱ्यावरचं चैतन्य दिसतंय, ते या ठिकाणी कोणीही झाकाळून टाकू शकत नाही। भाई बहनो, वास्तव में कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक का हमारा जो अखंड हिंदुस्तान है, इसमें हम कहीं भी जा सकते हैं, कहीं भी रह सकते हैं, कहीं भी हमारी प्रॉपर्टी बना सकते हैं। ऐसे भारतवर्ष में हम लोग यहां रह रहे हैं, प्यार और भाईचारे के साथ हम यहां रह रहे हैं, लेकिन कुछ लोग इस भाईचारे को कुचलना चाहते हैं, कुछ लोग इस भाईचारे के बीच में दरार डालना चाहते हैं, लेकिन हम तो उनके पाइक हैं जिन्होंने हमेशा देश को एक संघ रखने का काम किया है। भले ही शिवाजी महाराज के नाम से कोई ये कहता होगा कि राजा छत्रपति शिवाजी महाराज सिर्फ हिंदुओं का है, लेकिन जब कल्याण के सुबेदार की बहू को उनके सामने पेश किया गया तब वही मेरा राजा सामने से बोला, अगर मेरी माँ इतनी सुंदर होती तो मैं कितना सुंदर होता। ऐसा राजा कभी किसी जात का, किसी धर्म का नहीं हो सकता है, वो अखंड मानवता का हो सकता है। इसलिए हम मानवतावादी लोग जिस प्रकार से आनंद और चैन के साथ यहां रह रहे हैं, लेकिन कुछ लोग जो सपना लेके चल रहे हैं, अरे नींद से जागो पगलो, ये सारे के सारे लोग इनके विचारों के लोग हैं, इनके विचारों से कोई नहीं जीता है, इनके विचारों का सामना करने के लिए आप बहुत छोटे हो, आपको बहुत मशक्कत करनी पड़ेगी, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत तपस्या करनी पड़ेगी, बिना तपस्या के आप वहां तक नहीं पहुंच सकते हो, क्योंकि लोकतंत्र को पूरी तरह आत्मसात करके निर्भयता के साथ जीवन जीने वाला ये मेरा कष्ट करी ना कभी जात देखता है, ना धर्म देखता है, ना पक्ष देखता है, ना भाषा देखता है, वो आदमी के अंदर का मानव, आदमी के अंदर की मानवता देखता है, हर महिला में अपनी माँ और बहन देखता है। लेकिन आप क्या समझोगे किसी माँ और बहन की इज्जत करना? अरे माँ और बहन की इज्जत करनी है तो यहाँ आके देखो किस प्रकार से ये लोग यहाँ अपनी जीवन की आनंद के साथ गुजर गुजर कर रहे हैं। दोस्तों, छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती के अवसर पर हर साल की तरह आज भी आप यहां हैं। मैं तो कहता हूं पैंडेमिक सिचुएशन में पिछली साल ऐसा लग रहा था कि छत्रपति शिवाजी महाराज जी की जयंती हम मना नहीं पाएंगे, लेकिन पिछले साल भी इसी प्रकार धूमधाम से जयंती मनाई गई मेरे राजा की। दोस्तों, हम जिस प्रकार से इन महापुरुषों की पूजा करते हैं, क्योंकि उनकी जीवनी अगर देखोगे तो उसने कभी भी
किसी जात का, धर्म का, पार्टी का और भाषा का तिरस्कार नहीं किया है, किया है तो पुरस्कार किया है। इसलिए आपके दिमाग में कोई कुछ भी डालने का प्रयास करे, लेकिन आपकी जो एकता है, अखंडता है, ये अभेद है, इसको कोई भेद नहीं सकता है, इसको कोई पार नहीं कर सकता है। ये कल भी आपने दिखाया है, आज भी दिखाया है, और कल फिर हम दिखाएंगे। दिखाएंगे कि नहीं दिखाएंगे? हाथ ऊपर करके सारे के सारे हाथ यहां मजबूती के साथ, एक के हाथ में हाथ डालकर भाईचारे की तरह यहां रह रहे हैं। दोस्तों, मैं ज्यादा समय नहीं लेते हुए, क्योंकि परशुराम जी, ये गाना हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है, ये लोग गाना सुनने के लिए नहीं आए हैं, ये संकल्प करने के लिए आए हैं। क्या साल भर हमने किया और क्या अगले साल हम करने वाले हैं, इस प्रकार का संकल्प हम करेंगे। और ये संकल्प करने के लिए और सुनने के लिए यहाँ पर ही हमारी माता बहनें उपस्थित है। हमने बहुत बार देखा है, पूरे महाराष्ट्र में घूम घूम के देखा है, जब भी हल्दी कुमकुम होता है, पत्रकार मित्रों मैं आपसे भी बोलता हूँ, हल्दी कुमकुम जहाँ होता है तिलक लगाया जाता है, लेकिन वाहन नहीं देते हैं। हमारा भाषण सुनो फिर तुमको वाहन देंगे। हम वहीं पर देते हैं और बोलते हैं हाथ जोड़ के, भाई ना आप घर जाना चाहते हो तो चले जाइए, क्योंकि ये हमारे बहनों का सम्मान है, अपमान नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि वो भले भांति जानती है कि मेरे भाई ने पुकारा है, मुझे वहां जाना है, लेकिन परिवार भी उतना ही महत्वपूर्ण है जैसे उसको वहां घर में जाना है, बच्चे पालने हैं, काम से आने वाले आदमी को खाना बनाना है, तो उसको वहां जाने के लिए सहूलियत अगर कोई कहां मिलती है तो यहां मिलती है। द्वार पर ही आपकी वहां तिलक लगाया जाता है, द्वार पर ही आपको वहां पर भेंट दी जाती है, और भेंट के साथ एक तो हाथ में अपने भाई का नंबर होता है, कोई बहन को कोई तकलीफ है तो हाथ में नंबर होता है पॉकेट में, और किताब होती है वो याद दिलाती है, हाँ ये संभव है, वो किताब याद दिलाती है, हाँ ये संभव है, परिवर्तन शिक्षा से समृद्धि की ओर, क्योंकि अनपढ़ गवार अमीर बन सकता है, बड़ा कभी नहीं बन सकता है, बड़ा वही बनता है जो पढ़ेगा लिखेगा, वही बड़ा बनेगा। अब किसी भी जाति के, किसी भी धर्म के हो, पढ़ाई नहीं छोड़ना, अपने बच्चों को काबिल बनाना, शिक्षित बनाना, भविष्य देश का है, उसको आगे लेके जाने की जिम्मेवारी भी आपकी है। जैसे इस बस्ती को आपने संवारा है, उसी तरह राज्य की जिम्मेवारी, देश की जिम्मेवारी हमारी पारिवारिक पद्धति से हमारी होती है, क्योंकि हम उसके मार्गदाता है, हम उनके पिता है। तो सारे बहनों को मैं विनती करता हूँ, अपने जय घोष की तरह हम इसी प्रकार आगे हमारा कार्य करते रहेंगे।